भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मरावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धार जिले के बदनावर तहसील अंतर्गत ग्राम जालोद के सरकारी स्कूल में एक शराबी शिक्षक नशे में धुत होकर पहुंचा और नशा इतना चढ़ गया था कि वह जमीन पर ही गिर पड़ा। नशे में धुत मार साहब की करतूतों के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हुए। कक्षा में शराबी शिक्षक नशे में इतना धुत हो गया था कि वह क्लास में ही जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे बच्चे क्लास से बाहर निकल गए व गाँव वालों को सूचना दी। इसके पश्चात गांव के युवा स्कूल में पहुंचे व शिक्षक की हरकत को मोबाइल में कैद कर लिया। अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो शिक्षक की करतूतों के कारण शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यह पूरा मामला बदनावर तहसील के ग्राम जालोद के माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर पदस्थ शिक्षक कन सिंह दावर सोमवार को नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। वह स्कूल में उत्पात मचाकर गालियां पक रहा था। इससे बच्चे भी डर गए। शिक्षक दावर नशे में इतने धुत हो चुके थे कि उन्हें कोई होश नहीं था कि वह क्या करतूत कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले तो उनका वीडियो बनाया, इसके बाद जन शिक्षकों को शिकायत की। सूचना मिलने पर जन शिक्षक कालोराम भूरिया व वासुदेव सोलंकी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंचनामा बनाया। जन शिक्षक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी मौके पर पाया कि शिक्षक कन सिंह नशे में धुत होकर जमीन पर पड़े हुए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा बनाया गया। इस संबंध में जन शिक्षक कालोराम भूरिया ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल स्कूल पहुंच गए थे, जहां शिक्षक की करतूतों को देखते हुए संस्था में उपस्थित छात्र छात्राएं डरे हुए थे। उक्त पंचनामा ग्रामीणों व बच्चों की उपस्थिति में बनाया गया है। शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। शराबी शिक्षक के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।